हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज एसन एंड हेयर आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम एस एन पाठशाला जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैं वेस्ट बंगाल का क्लास टेंथ का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में लगा हुआ हूँ और मैंने जितने भी पोएम्स हैं वो सारे अपलोड कर दिए हैं और उसके साथ उसके से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है वो भी अब मैं प्रोज सेक्शन को पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और आपको लाइन बाई लाइन हर लाइन का मतलब समझाऊँगा जिससे कि ये आपको मतलब अच्छे से ये सारे चैप्टर समझ में आ जाए और आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सक स्कोर कर सकें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल का क्लास टेंथ का चैप्टर वन जिसका नाम है फादर्स हेल्प ये लिखा गया है आपका आर के नारायण के द्वारा ठीक है अब थोड़ा सा हम जैसा कि जानते हैं कि हमेशा राइटर के बारे में थोड़ा पहले हम जानते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बता सकूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को उसकी ज़रूरत भी नहीं है सो जितना ज़रूरत है वो मैं बताते बताते हुए चलता हूँ आप लोगों को तो द ऑथर एंड द टेक्स्ट मतलब कि ऑथर के बारे में देख लेते हैं लेखक के बारे में और इस टेक्स्ट के बारे में क्या है आर के नारायण का जन्म उन्नीस 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी ये क्या है ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ़ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश मतलब कि अंग्रेजी साहित्य में जब इंडिया में अंग्रेजी साहित्य में लिखना स्टार्ट हुआ था मतलब साहित्य का लेखन किस में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो राइटर्स उभर करके आगे आए थे सामने आए थे उनमें से आर के नारायण भी एक प्रमुख राइटर है समझें उसके बाद है उनके कुछ वर्क्स दिए हैं जैसे कि हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड मालगुड़ी डेज द दे गाइड इनके जो बहुत ही प्रसिद्ध यानी कि जाने जाने वाले वर्क जो हैं जो इन्होंने लिखा था उनमें से मालगुड़ी डेज जो है वो भी है मालगुड़ी डेज़ में उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ पब्लिश की थी ठीक है छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ और द गाइड जो है उनकी एक बहुत ही फेमस कहानी है आगे आप देखिए कि ही वॉज़ अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1958 फॉर द गाइड और गाइड के लिए इनको उन्नीस में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है साहित्य के क्षेत्र में आगे थोड़ा सा स्टोरी के बारे में देखते हैं कि स्टोरी द स्टोरी एन एडिटे एडिटेड एक्सेप्ट फ्रॉम द दे मालगुड़ी डेज मतलब ये जो स्टोरी है ये भी आपकी उद्धारित है या ली गई है किससे मालगुडी डेज से ही ली गई है इज अबाउट यंग बॉय यह कहानी किसके बारे में है यह कहानी एक यंग छोटे से बच्चे के बारे में है? बहुत छोटा भी नहीं है समझदार है है ना कॉल्ड स्वामीनाथन जिसका नाम है स्वामीनाथन हु इज़ विल अनविलिंग टू गो मतलब हु इज़ अनविलिंग जो इच्छुक नहीं है टू गो टू स्कूल जो मतलब स्कूल नहीं जाना चाहता है बट इज़ फोर्सड बाई हिज फादर टू अटेंड द स्कूल लेकिन वह अपने पिता के द्वारा उसको फोर्स किया जाता है उसके पिता के द्वारा कि नहीं तुमको स्कूल जाना ही पड़ेगा द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ यह कहानी हमें यह बताती है कि कैसे थ्रू द इवेंट्स लेट फॉलो मतलब जो भी घटनाएं आगे होती जाएंगी उनके द्वारा स्वामी इज ओरिजिनल रिजर्वेशन अबाउट हिज टीचर शैमूल स्वामी का जो सोच है अपने टीचर शैमूल को लेकर के वो कैसे बदल जाता है अब बहुत बड़े पैमाने पर कंसी ड्रेवली का मतलब होता है गेट ट्रांसफॉर्म्ड कंसीडर ड्रेवली का मतलब वो जो चाहता है बोलना एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चला गया उसके बारे में बोल देता है जिससे कि क्या हो कि उसके पिता को लगे कि हाँ सही है ये स्कूल जाने से उसको मना कर दे लेकिन क्या होता है कि उसके पिता भी जी हैं और वो इसको स्कूल भेज करके ही स्कूल रहते हैं ठीक है थीके? तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पॉइंट चलिए हो गया तो फ्रेंड्स हम लोग यूनिट वन स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा लाइंग इन बेड स्वामी रियलाइज विथ सडर दैट इट वॉज मंडे मॉर्निंग इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट वॉज़ फ्राइडे ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर ही होप्ड ही डिन गो ही डिट हैो टू स्कूल मतलब बेड में लेटे हुए स्वामी को यह महसूस हुआ क्या वो मतलब डर से कांप उठा जैसे ही वो बेड में मतलब अब पहले सोया हुआ था उठा तो क्या देख रहा है कि वो कांप उठा कांप गया सडर मतलब होता है कांपना भैंस के कारण दैट इट वॉज मंडे मॉर्निंग कि हम सोमवार के सुबह आ गई है मतलब कि उसको स्कूल जाना पड़ेगा ऐसा लड़का है स्वामी जान लीजिए कि उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है तो स्कूल जाना नहीं चाहता और उसके लिए बहाने बनाता है तो इस टेक्स्ट में हम वही पढ़ने वाले हैं कि बेड में सुबह सुबह का बात है जब वो उठता है तो देखता है कि मंडे आ गया है और वो इस बात से डर करके कांप उठता है कि इट वॉज़ मंडे मॉर्निंग कि अभी क्या है ये मंडे मॉर्निंग आ गई है हमारी और इट लुक्ड ये उसका ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट वॉज़ फ्राइडे कि थोड़ा ही क्षण पहले उसको ऐसा लग रहा है कि यह फ्राइडे था मतलब अभी अभी स्कूल छुट्टी हुई थी और दो दिन के लिए बंद रहती है सैटरडे संडे को इंग्लिश मीडियम में स्कूल तो आप देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि सैटरडे संडे को स्कूल क्लोज होने की वजह से दो दिन आराम करता है वो लेकिन वो उसको क्या लग रहा है कि कुछ देर पहले ही फ्राइडे थी और अब अचानक से मंडे आ गई क्या है ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर मंडे अब यहाँ आ चुके है मतलब कि आज मंडे है ही होप्ड ही ही हैव टू टू गो स्कूल वह यह सोचता है कि उसे आज स्कूल नहीं जाना चाहिए उसके लिए अब वो क्या करता है बहाने बनाता है एट नाइन ओ क्लॉक स्वामी वेल्ड नौ बजे स्वामी अपने मन की एक इच्छा को जताता है कैसे वेल्ड मतलब होता है दर्द के में. दर्द में जब कोई कुछ बात को कहता है तो उसको वेल्ड कहते हैं जैसे आई हैव अ है दर्द में बोलना लेकिन इसको ये तो बहाने मार रहा है तो क्या है एट नाइन ओ क्लॉक स्वामी वेल्ड आई हैवे हेड एक स्वामी कहता है कि मेरे सिर में दर्द है मदर जेनरसली सजेस्ट दैट स्वामी माइट स्टे एट होम मदर तब जानते हैं कि माँ का स्वभाव कैसा होता है माँ जब सुनती है कि बच्चे को के सर में दर्द है तो बोलती है कि ठीक है तुमको घर में ही रुक जाना चाहिए मदर सजेस्ट उसको सजेस्ट करती है तुमको घर में ही रुक जाओ सजेस्ट दैट माइट स्टे एट होम ठीक है अगला है ये जान गए उसके बाद देखिए क्या है कि एट नाइन थर्टी जैसे ही नौ बज के तीस होती है वैन ही आउट टू हैव वेन ही आउट टू हैव बिन इन द स्कूल प्रेयर हॉल जब उसको स्कूल के कहाँ होना चाहिए प्रेयर हॉल में होना चाहिए प्रार्थना जहाँ होती है वहाँ होना चाहिए स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन द मदर्स रूम उस समय स्वामी मम्मी के रूम में बेंच पर सोया पड़ा है लेटा पड़ा है फादर आजकिम उस समय उसके पिता आते हैं क्या कहते हैं पापा आते हैं और पूछते हैं हैव यू नो स्कूल टू डे क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है हेड एक स्वामी रिप्लाइड स्वामी रिप्लाइड स्वामी उत्तर देता है कि नहीं मेरा तो आज स्कूल मतलब स्कूल तो है लेकिन मेरे सर में दर्द है आई हैव हैड एक बोला ही था कि उसके सर में दर्द है इसलिए वो नहीं जाएगा पापा अब उसके गुस्से वाले हैं क्या कहते हैं नॉनसेंस बकवास की बातें बंद करो ड्रेस अप एंड गो कपड़े पहनो और स्कूल जाओ फिर स्वामी क्या कहता है फिर से हेड कहता है जैसे कि पापा को लगे कि हाँ सच में उसको दर्द है माथे में तो नहीं जाना चाहता है लेकिन पापा भी वैसे ही हैं जिद्दी उसको भेज के ही रहेंगे क्या कहते हैं पापा कि लोफ अबाउट लेस ऑन संडे मतलब कि लोफ का मतलब होता है इधर उधर भटकते रहना घूमना फिरना है ना तो लेस मतलब कम अगर तुम घूमो फिरोगे किस दिन को संडे को संडे को देन यू विल बी विदाउट अ हैडेक ऑन मंडे तब तुम्हारे मतलब बिना दर्द के होगे तुम मंडे को मैंने मंडे को तुम्हारे सिर में दर्द नहीं होगी स्वामी न्यू स्वामी जानता था कि हाउ हिज फादर स्वामी यह बात जानता था कि उसके पापा जो हैं वो कितने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं मतलब कि कितने ज़्यादा कड़े स्वभाव के हैं गुस्से वाले हैं अगर वो उसकी उनकी बात नहीं मानेगा तो और कितना गुस्सा हो जाएंगे सो ही चेंज हिज टैक्टिस तो वो क्या करता है कि अपनी टैक्टिस को बदलता है मतलब कि अब वो, वो कुछ और नया करने के बारे में सोचता है क्या कहता है वो देखिए कि आई कांट गो सो लेट टू द क्लास वो कहता है वो अपने चाल को थोड़ा सा बदलता है सर में दर्द तो है नहीं वो तो बहाना कर रहा होता है बोलता है कि आई कांट गो सो लेट टू द क्लास मैं मतलब क्लास में देर से नहीं स्वामी कहता है कि वो इतने लेट से स्कूल नहीं जा सकता तो उसके पापा क्या करते हैं यू विल हैव टू देखिए ये साथ में पढ़ना होगा यू विल को यू एक, एक में मिलकर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ यू विल हैव टू मतलब तुमको जाना ही पड़ेगा इट इज़ योर फॉल्ट यह तुम्हारी क्या है यह तुम्हारा गलती है तुम्हारी गलती है तो यानी तुमको जाना पड़ेगा अब वो कहता है कि वॉट विल द टीचर थिंक if I go so late अगर मैं इतने देर से जाऊँगा तो टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे Tell him you had a headache and so you are late. पापा कहते हैं कि तुम उन्हें बता देना कि तुम्हारे सर में क्या था दर्द था सो तुम लेट हो गए ही विल स्कोल्ड मी इफ़ आई से सो अगर मैं उनको ऐसा कहता हूँ तो वो मुझे क्या करेंगे स्कोल्ड मी डांटेंगे मुझे तो उसके पापा कहते हैं विल ही क्या सच में लेट सी चलो देखते हैं क्या होता है व्हाट इज हिज नेम नेम वाट इज़ हिज नेम उसका जो टीचर तुमको डांटेंगे लेट जाने के कारण उनका थोड़ा नाम मुझे बता दो सेम, तो स्वामी रिप्लाई करता है सेमुअल नाम क्या है टीचर का सेमुअल डज ही ऑलवेज स्कोल्ड स्कोल्ड द स्टूडेंट्स क्या वो हमेशा ही बच्चों को डांटते रहते हैं स, जो स्वामीनाथन का पापा है पूछते हैं कि क्या वो हमेशा ही बच्चों को डांटते रहते हैं स्वामी क्या रिप्लाई करता है ही इज अ वेरी एंग्री मैन वो क्या है बहुत ही क्या है बहुत ही गुस्सैल आदमी है वो एंड ही इज़ स्पेशली एंग्री विद द बॉयज़ और वो उन बच्चों के लिए जो क्या है बहुत ज़्यादा गुस्सैल है जो बहुत लेट से आते हैं हु कम लेट इन द क्लास मतलब कि जो लेट से आते हैं आई वुडेंट लाइक टू गो गो लेट टू द सेमोल्स क्लास और मैं पसंद नहीं करूँगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा लेट जाना सेमोल के क्लास में क्योंकि मुझको बहुत ज़्यादा डांटने लगेंगे फिर क्या है इफ़ ही इज़ सो एंग्री अगर वो इतने ही गुस्सेल हैं वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट तो तुम अपने हेडमास्टर से इसके बारे में क्यों नहीं कहते हो उनके बारे में शिकायत क्यों नहीं करते हो दे से दैट इवेन द हेड मास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम सारे लड़के क्या कहते हैं कि हेडमास्टर जो हैं वो भी अफ्रेड मतलब कि भयभीत रहते हैं देखिए ये वर्ड जानना जरूरी है कि हेड भी क्या है अफ्रेड रहते हैं किस स्टेम से तो अभी तक हमने यूनिट वन पढ़ लिया देखा कि कैसे जो स्वामीनाथन है स्वामी है वो जाने स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनाता है पहला बहाना है कि उसके सिर में दर्द है तो वो नहीं जाएगा जब देखता है कि पापा तो मानेंगे नहीं तो वो क्या करता है अपने बहाने को चेंज करता है कहता है कि अब तो बहुत लेट हो गई है अब मैं स्कूल नहीं जा सकता लेकिन पापा भी जी हैं वो और जानने की कोशिश करता है फिर स्वामी अपने टीचर के बारे में बताता है अब देखिए टीचर के बारे में जो वो बताता है क्या वो सही है या गलत वो आगे जाकर देंगे क्या कोई हेड कोई टीचर हेड मास्टर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है तो इसको समझने के लिए हम आगे देखें बढ़ेंगे और आगे देखेंगे यहाँ दो वर्ड लिखा हुआ है जिसको आप देखेंगे तो समझ समझना ज़रूरी है कि सर्डर का मतलब क्या होता है सेकिंग ऑफ बॉडी कॉज बाय फ़ियर मतलब कि शरीर का कांपना डर के कारण लोफ का मतलब होता है मूव अराउंड इन आइडल मैनर मतलब बिना किसी काम के इधर उधर घूमते रहना तो ये हमारा यूनिट वन कम्प्लीट हुआ दूसरे यूनिट में सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यूनिट वन जो है फादर सेल्फ को वो कम्पलीट कर लिया है अब एक और वीडियो के साथ हम अगले यूनिट को कम्प्लीट करेंगे तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय